उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ठीक रखे, खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आपके बच्चों को सेहत तंदरुस्ती दे, और जिनके बच्चे नहीं है अल्लाह पाक उनको बच्चों से नवाजे, और जो बीमार हैं, जो ये जो बीमारी दोबारा आई है, ये जो बीमार हैं अल्लाह उनको भी सेहत तंदरुस्ती दे, इस बीमारी से निजात दे, और जो ठीक है अल्लाह उनको ठीक रखे। आमीन सुमा आमीन। आते हैं रेसिपी की तरफ। आज की मेरी रेसिपी है चिकन बर्गर। चिकन बर्गर है, ये देखें जी, ये देखें, मैंने चिकन उबाल के उसको मैंने यानी कि छोटा छोटा कर लिया, पीस इतने छोटे भी नहीं किए, देखो थोड़े बड़े बड़े पीस रख के कर लिया। और ये देखें, ये मैंने ना आलू लिए, 2 से 3 आलू लेके उनको मैंने बॉयल कर लिया था। अब मैं जो करना है इनका आपको मैं बताती हूँ। ये देखें, ये बर्गर लिए हैं मैंने, और अंडे, और ये टमाटर, बंद गोभी, सब्ज़ धनिया है, ये प्याज है, हरी मिर्चें कटी हुई हैं, और बाकी जो मसाले मैं डालती हूँ वो भी मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या जाएगा। ये देखिए, हरी मिर्चें जाएंगी इसके अंदर, ये भुना हुआ जीरा है ये जाएगा इसके अंदर, ये खुश्क धनिया तकरीबन 1 चम्मच, ये काली मिर्ची तकरीबन 1/2 टीस्पून बता रही हूँ, 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून जीरा, ये है चाट मसाला ये, नमक जरूरत के मुताबिक, कोई कम खाता है कोई ज्यादा खाता है, ये है कुटी हुई, जो जिसको कहते हैं कुटी हुई दादर मिर्च, ये वो है, ये डाल रही हूँ, इसको जरा चेक करके डाल रही हूँ कोई चीज ना हो बीच में। कलर के लिए हल्दी भी डाल रही हूँ, ये देखिए जी अंडा, ये इसी के अंदर डाल रही हूँ, जो मैंने आलू मैश किए हुए थे इसके अंदर मैंने अभी मसाले डाले हैं उसी के अंदर डाल रही हूँ। इसी के अंदर ही तकरीबन 1 से 2 चम्मच कुकिंग ऑयल, मेरा डालडा कुकिंग ऑयल है, आप जौन सा मर्जी डाल सकते हैं। और ये देखें जी, ये जो चिकन है ये भी डाल रही हूँ इसी के अंदर, थोड़ा सा ये सब्ज़ धनिया भी काट के डाल दूंगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको करूंगी मिक्स, हाथ से करूंगी, मुझे नरम लगा तो इसके अंदर कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, मैदा भी डाल सकते हैं आप, ये अंडा डालने से थोड़ा हो जाता है नरम। माने रही, ये देखें जी, मैंने थोड़ा कॉर्नफ्लोर डाल दिया इसके अंदर, मुझे नरम लग रहा था, मैंने कहा शायद ये ना अच्छी तरह बने, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा कॉर्नफ्लोर डाल दिया, थोड़ा टाइट हो गया कॉर्नफ्लोर डालने से, देखिए ये देखेंगे इसकी, इस तरह मैं बड़ी बड़ी आपने बनानी है, ये वो नहीं है
शामी बर्गर नहीं है, ये एक छोटी सी शामी बना के आपने लगा देनी है, ये वो चीज नहीं है। इस तरह आपने ये बड़ी थोड़ी बना के इस शेप की आपने इस तरह बनानी है ये बड़ी बड़ी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए जी पैन ऊपर रखा मैंने, इसके अंदर मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया थोड़ा सा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखिए जी दो मैंने अंडे तोड़ लिए, अब इनको मैं अच्छी तरह फेंट लूंगी, थोड़ा सा नमक डालें। बड़ी मजे की बात है ये कि आप इसमें जब अंडे फेंटे, जब कोई चीज आपने फ्राई करनी है तब, ये देखो इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 चम्मच आप पानी के डाल लें, ताकि आप जब आप उसको लगा के ऊपर डालते हो ना, तो वो एक नीचे से इसकी तारें सी निकलती हैं, वो नहीं कभी भी नहीं निकलेंगी जब आप पानी डाल के अंडा फेंटोगे। तो ये देखना मैं आपके सामने अभी बनाती हूँ, शायद आपको पहले ना पता हो। उसको आपने पकड़ना है, देखो ये अंडा, अंडे के अंदर अच्छी तरह इसको डिप करना है, डिप करके कुछ नहीं और करना, बस ये देखें, ये देखें इसकी कोई तार नहीं निकली, मैंने अंडा निकाला है तो बिल्कुल सही साफ अंडा निकला है, पीस बीच में से निकल आया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखें जी मैंने इनको फ्राई कर लिया, देखें कितनी प्यारी माशाल्लाह से लुक आ रही है इसकी, तो बहुत अच्छी फ्राई हुई है। पहले अंडा लगा के मैंने फ्राई की है, कुछ नहीं किया, और मैं बर्गर बंद जो है, बंद बर्गर जो बंद ये गर्म कर रही हूँ, उनको ज़रा गर्म करूँगी, तवे पे थोड़ा सा मैंने घी डाला हुआ है, इसके अंदर मैं डाल दूंगी अंडे, तकरीबन 2 अंडे होंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखिए जी ये मैंने लगा दिया मायोनीज नीचे, इस तरह सबको मायोनीज लगानी है आपने पहले। ये देखें जी ये आपने बंद को भी रखनी है, फिर प्याज, ये प्याज की पीस भी ऐसे रखते हैं आपने, और ये टमाटर रखते ना फिर आपने, ये देखो ये रख दिया टमाटर। अब अपने केचप, केचप तो वैसे साथ भी खाई जा सकती है,
ना भी ज्यादा लगाओ, तो इसलिए मैं थोड़ी कम ही लगा रही हूँ, क्योंकि साथ फिर लेके भी खा सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ी कम लगा रही हूँ कि ऐसे वो बाहर ना निकले। बस थोड़ी लगाऊंगी तो पकाया फिर साथ खाई जाएगी। ये रख रही हूँ अंडा, मैंने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ये देखिए इसको रख दिया। अब ये फिर इसके ऊपर रख दिया, अब ये इसके ऊपर रख दिया, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ये इसके ऊपर, ये देखिए जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बिस्मिल्लाह रहमान, ये देखिए जी ये तीनों तैयार माशाल्लाह से। ये देखें जी इसके पहले मैंने केचप लगा दी है। इसके दो तरीके हैं बनाने के, जैसे आप मर्जी बना लें। ये देखें जी ये केचप लग गई, इनके अंदर अंडा लग गया, ये अंडा लग गया। वो बनाया जब मैं उलटाने लगी थी तो वो टूट गया था, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हमने भी तो तोड़ के लगाना था, इतना बड़ा पीस तो लगना ही नहीं था, टूट गया तो कोई बात नहीं। चलो जी अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी मायोनीज। ये मैंने टमाटर रख दिए, मैंने रख दिया, और ये प्याज के पीस जो है वो रख दिए। बात तो एक ही है मगर वो अपना है कि जो चीज़ आपका दिल चाह रहा पहले लगा लो, जो दिल चाह रहा बाद में लगा लो। देखो मैंने कुछ पहले लगाई हैं, कुछ मैंने बाद में, उसमें मैंने पहले लगाई थी, इसमें मैंने बाद में लगा दी हैं। ये देखिए ये बंद गोभी बहुत अच्छी बारीक बारीक कटी हुई है, धनिए की पत्तियां भी आप रख सकते हैं इसी तरह, इसी तरह वो भी अच्छी लगती हैं रखी हुई। ये देखिए ये रख ली, और इसी तरह आप इनको ऊपर रखना है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जो देखें जी मैंने चिकन बर्गर बना दिए हैं, बहुत मज़े के बने होंगे, बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में तो भी, और आप भी इसी तरह बनाएं मेरी रेसिपी पे। बहुत ज़्यादा बने देखे हैं बर्गर, बहुत तरह के बने देखे हैं, मगर आप ऐसे बनाओगे तो बार बार बनाओगे, खाते ही रह जाओगे ऐसे बनाओगे तो। और जो न्यू है मेरे चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइबर है लाइक करें शेयर करें, और बेल के बटन को भी जरूर दबाया करो ताकि आने वाली रेसिपी आपको टाइम पे मिल सके। और जो न्यू है जो सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइबर है लाइक करें शेयर करें, पूरी वीडियो देखा करो, प्लीज लाइक जरूर करा करो, देख लेते हो आप और लाइक नहीं करते आप, जरूर कर दिया करो, कुछ नहीं होता, आप लाइक किया करो। और अब मैं आपको ये दिखाती हूँ काट के, ये देखिए जी माशाल्लाह से
जो धनिया की पत्तियां लगाई हैं वो भी नजर आ रही हैं। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है ये भी। ये देखें माशाल्लाह से बहुत मज़े का बना है। साथ आप केचप लो, खाओ और मज़े करो, बनाओ खाओ मज़े करो। फिर मिलेंगे ऐसी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।